हेलो एंड वेलकम। कुछ लोग हमारी जिंदगी पर गहरा सा असर छोड़ जाते हैं, कुछ आंखों में उतर जाते हैं तो कुछ दिल में बस जाते हैं, कुछ नई राह दिखाते हैं तो कुछ उस राह पर चलना सिखाते हैं। जाने वो लोग कहां से आते हैं जो हमारी जिंदगी पर गहरा सा असर छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसी ही शख्सियत है हमारे आज के मेहमान मिस्टर संजीव कालरा। प्रेजेंटली सर्विंग एज ADGP पंजाब, मिस्टर कालरा इज ए मल्टी टैलेंटेड ऑफिसर। ही हैज अ क्रिएटिव साइड टू विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे इन आवर शो। सो लेट्स बिगिन द शो, शैल वी? Thank you for the lovely introduction. Let's start from the journey of being a police officer. How did it begin? देखिए मैंने इंजीनियरिंग किया था। अच्छा। और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते समय ही एक ग्रुप होता था स्टूडेंट्स का, हमारे कोलीग्स का, जिनमें सिविल सर्विसेज को एग्ज़ाम देने का बड़ा एक क्रेज़ था कि चलिए एक देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। और वहाँ उन स्टूडेंट्स के जब मैं इन टच आया तो आई आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैं बाय चांस उस टाइम क्विजिंग में पार्टिसिपेट करता था और क्विजिंग में काफ़ी अच्छा था मैं, तो मुझे सब ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी तो GK बड़ी अच्छी है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ऐसे ही मैंने फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में IRS इनकम टैक्स में और सेकंड अटैम्प्ट में मैं IPS में 1989 में मेरे को पंजाब का आर्डर मिला। सर आपकी पोस्टिंग काफ़ी जगह पे हुई है और आपको बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली हैं इस दौरान, कोई ऐसी पर्टिकुलर पोस्टिंग या कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? देखिए अगर मुझे कहा जाए, कई फेजेस देखे हैं अपने कैरियर में। पहला फेज था जब टेररिज्म का टाइम था। टेररिज्म के दौरान पुलिसिंग एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की थी। yes. और उस टाइम पे एनकाउंटर चल रहा है, आप और आपके जूनियर्स एक ही खेत में है, गन्ने का खेत है या कोई और खेत है, उसमें कट्ठे लेटे हुए हो, और जो कॉमरेडरी उस टाइम, जो एक टीम स्पिरिट उस टाइम होती थी, वो एक अलग ही किस्म की थी। सो वो एक फेज़ देखा। उसके बाद में डिफरेंट फेजेस देखे जिसमें कि सिटीज़ में लाइक SP सिटी लुधियाना या फिर SSP शिप आया। इन बिटवीन एक साल मैंने बॉस्निया यूनाइटेड नेशंस की असाइनमेंट की, और वो भी अपने आप में एक बड़ा मज़ा था, बिकॉज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जहाँ 42 कंट्रीज़ के मॉनिटर्स, हम मॉनिटर्स बोलते थे उनको, कोलीग्स थे मेरे जो 42 कंट्रीज़ थे वो हमारे साथ काम करते थे, उनका कल्चर क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, फिर यूनाइटेड नेशंस का अपने आप का काम करने का क्या तरीका है, तो ये सब कुछ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सीनियर रैंक्स में मेरी लास्ट पोस्टिंग एज एडिशनल DG आर्म्ड विंग पंजाब पुलिस, जिसको PAP भी नॉर्मली कह देते, पंजाब आर्म पुलिस, वो एक हेड रहना। तो हर ये पुलिस की नौकरी की यही एक बहुत बड़ी बात है कि आपको इतने डिफरेंट फ्लेवर्स, इतने डिफरेंट तरीके आपकी जॉब में आते हैं कि आपका बड़ा मज़ा आता है उसका। जी दैट्स ग्रेट सर। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप किशोर कुमार जी के बड़े फ़ैन हैं और आपको उनके गानों से बहुत आप प्रभावित हैं। ये सुहाना सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए बचपन में थोड़ा बहुत गुनगुनाने का हम सबको शौक़ होता है, मेरे ख्याल वो तो है, तो हमें भी शौक था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई मैंने कोई फॉर्मल, मुझे म्यूज़िक की ट्रेनिंग नहीं है,
लेकिन बस वो शौक था. और फिर इन बिटवीन एक फेज आया जब हम कैरियर के बारे में बड़ा सीरियस हो जाते हैं. जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज आया या फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, फिर शुरुआत में टेररिज्म का वो फेज देखा, वो इन बिटवीन वो कह लीजिए कि वो बैकग्राउंड में चला गया. लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में पिछले कुछ सालों से मैंने देखा कि किशोर कुमार जी की उनकी जो आवाज़ है, उनका तरीका है, आप जानते हैं अच्छी तरह से जी. वो एक उनके गाने गाने का भी मेरे को बड़ा मज़ा आता है. तो इस तरीके से म्यूज़िक के साथ जुड़ना और पर्टिकुलरली सिंगिंग, फिल्मी सिंगिंग और ख़ास तौर पे किशोर कुमार के जो गाने हैं उनके साथ जुड़ने का बड़ा बड़ा मज़ा आया इस सफर में. हाउ डिड द फर्स्ट परफॉर्मेंस हैपन सर, स्टेज परफॉर्मेंस? स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मली इस तरीके से हुई कि पहली बार हम लोग, तब तक क्या होता था कि किसी का कोई फंक्शन है या मेरे घर कोई चार दोस्त आए हुए हैं तो वैसे ही गाना हो जाता था कि चलो यार चलो गाते हैं. आपको भी मालूम है हम सब वो करते हैं, महफिल होता था. तो वो किसी दोस्त ने, किसी का अपना एक फंक्शन था, वो थोड़ा बड़ा फंक्शन था, भाई साहब हम गए हुए थे और उसने इम्प्रॉम्प्टू बोला कि आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर कालरा कि वो भी आके जरा स्टेज पे आए दो मिनट के लिए. वो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन कि एक तरफ वो हमारे दोस्त हैं और आप मालूम है कि दोस्तों को ना नहीं की जाती, अब क्या किया जाए. तो उस तरीके से वो स्टेज पे फिर मैं गया और एक नर्वसनेस एक से फिर वहाँ जाके गाना गाया. हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम. आप क्या मुस्कुराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का पूछो सनम. आप क्या मुस्कुराना गजब उठा गया, एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम ना थी, एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम ना थी. उसने मेरा तराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का पूछो. लेकिन वो बड़ी मेमोरी है एक अच्छा जी. और वो ऐसी मेमोरी होगी आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे. ना भूल नहीं पाऊंगा. और मुझे वो गाना भी याद है, वो वक्त भी याद है. ये चीज़ें कई बार आपके दिमाग में एक ऐसी जहन में एक ऐसे एच कर जाती हैं, बस जाती हैं जी. सो दैट वाज वंडरफुल जी. एक बार मैं आपको मिला था, एक मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि आपको एक इंसान को अगर खुश रहना हो तो उसे अपने बचपन को याद रखना चाहिए. ऐसी कोई मेमोरी, कोई ऐसा इंस्टेंस, कोई ऐसा वाक्या जो आपको जी. मैं आपकी वो बात जो आपने मुझे अभी बताई, मैं हर अपने दोस्त को, मित्र को, सबको यही बात बताता हूँ. और ये मेरा फर्म बिलीव है कि अगर आपने रियली खुशी आप चाहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल खुशी का मायने हो गया है एक सोशली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क बना दिया है. आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हो, आपने ये अचीव कर लिया है, आपने इतनी दौलत पा ली है, आपके पास ये पावर है कि आप अपने आप को अज्यूम करते हो कि मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन अगर आप अपने दिल में झांकें और अपना बचपन याद करें तो नॉर्मली आपको याद आएगा कि मेरे को बचपन में क्या चीज़ खुशी देती थी. और वो खुशी आज अगर अपने आप नज़दीक अपने आसपास रख लें तो वो मेरे ख्याल में आपको रियल जेन्युइन लॉन्ग टर्म खुशी देती है. वरना बाकी सारी खुशी क्या है, हम एक चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ हमें मिलती है और साथ ही साथ हमें लगता है अरे बस इतनी सी खुशी, और वो खालीपन आ जाता है. तो मेरा बचपन फिरोजपुर पंजाब में जो जगह है वहाँ से हूँ जी. DAV स्कूल में मैं पढ़ता था और हर सैटरडे को वहाँ बाल सभा होती थी. बच्चों को, जितने भी बच्चे थे, 8वीं क्लास तक वो स्कूल था,
कि बच्चों को कहा जाता था कि आप कोई परफॉर्मेंस दो, कोई स्किट कर दो, कोई मिमिक्री कर दो, कोई गाना गा दो, कोई चुटकुला सुना दो, और मैं उसमें नॉर्मली गाना गाता होता था। और वो गाने के बाद आपको एक उन्होंने पेंसिल या एक कॉपी या एक इरेजर, रबड़ बोलते थे हम उसको, शार्पनर, ये सब चीज़ें मिलनी, और वो इतनी खुशी कि अरे यार आज मैंने गाना तो गाया गया, बाद में एक पेंसिल मिली है। तो वो बचपन का, वो फिरोजपुर का समय, वो बहुत मज़ा देता है मुझे जी। तो जब भी आप वो याद करते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है? बिल्कुल, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एंड यू रीलिव दोज मोमेंट्स, वी रीलिव दोज मोमेंट्स बिकॉज दैट इज व्हेन वी रियली आर वेरी प्योर प्योर। हमें जो खुशी है वो खुशी है, आगे जो जो हम बढ़ते हैं हम धीरे धीरे एक सोसाइटल मोल्ड में ढलते जाते हैं कि ये चीज़ है तो आप खुश होगे, ये ले लो, वो एड्स बनी होती हैं, इस मकान यहाँ पहुँच जाओ तो आप बड़े खुश हो जाओगे, तो हमें लगने लगता है कि शायद मेरी खुशी भी यही है। वेयर एज मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारी खुशी और मेरी खुशी एक अलग तरीके से होगी, तुम्हें कुछ चीज़ें और मज़ा देती हैं, मुझे कुछ चीज़ें और मज़ा देती हैं, और ये अपना एक क्रिएटिव साइड जिसको हम कई बार एक चाइल्ड भी कहते हैं, हमारे अंदर एक बच्चा होता है, वो एक जीवित रखना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है सर, कि हमारे अंदर का जो चाइल्ड है उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए जी। और आज हम बड़े डिफरेंट से रोल्स में आ गए हैं, हमारे रोल्स होते हैं एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज एन ऑफिसर, एज अ लीडर, तो हम उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दैट चाइल्ड शुड ऑलवेज रिमेन अलाइव इन अस जी। सर, हाउ हैज म्यूजिक हेल्प्ड यू इन योर डेज ऑफ स्ट्रेस? ये आई थिंक अगेन बिकॉज म्यूजिक का स्ट्रेट वे कनेक्शन सोल के साथ होता जी, है जी। और स्ट्रेस है, दैट मीन्स आपका माइंड किसी जगह पे बार बार जा रहा है, कि आप कुछ चीज़ को बार बार याद कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ चीज़ बार बार घूम रही है। और ब्यूटी ये है सिंगिंग की या म्यूज़िक की, कि अगर आप इस तरफ ध्यान दो, और सपोजिंग आप गाना गाना शुरू करो, आप गा तभी सकते हो अगर आप पूरा ध्यान इस तरफ दोगे, आप कोई और चीज़ सोच रहे हो तो आप गा नहीं सकते। तो अगर आपने इसलिए गुनगुनाना शुरू कर दिया, या दो दोस्त बैठे हैं इकट्ठे उन्होंने गाना, तो अपने आप माइंड उस चीज़ से हटके, इट इज़ लाइक मेडिटेशन, कि आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में फोकस हो जाते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि बाकी सब छोड़ के अदरवाइज आप पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, कोई पास्ट की चिंता है कुछ हुआ है, या फ्यूचर आपको सता रहा है जो आप कह रहे हो आप टेंशन में हो, तो वो हो छोड़ के आप प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली आ जाते हो जब आप बिल्कुल म्यूजिक की ओर जाते हो, तो उससे फिर ये स्ट्रेस एकदम से ख़त्म हो जाती है। सर, आई बिलीव योर चिल्ड्रन ऑल्सो हैव अ क्रिएटिव साइड टू देम, डू दे टेक आफ्टर देयर फादर्स क्रिएटिव साइड? जी, आई एम वेरी लकी बिकॉज मेरा बेटा जो इस टाइम यूएसए में काम कर रहा है, वो अदरवाइज कंप्यूटर साइंस उसने की हुई है ग्रेजुएशन, और आजकल कंप्यूटर साइंटिस्ट के तौर पे ही काम कर रहा है। उसको बड़ा शौक़ है सिंगिंग का, और सबसे बड़ी बात है इंस्ट्रूमेंटल्स, मतलब उसको प्रैक्टिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप दे दीजिए वो बजा लेता बड़े अच्छे तरीके से। और मेरी बेटी जो MBBS कर रही है पटियाला में, उसको डांसिंग का या अदरवाइज म्यूज़िक का गुनगुनाने का थोड़ा बहुत शौक है उसको भी। तो दोनों मेरे बच्चे, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपना एक क्रिएटिव आस्पेक्ट जो है उन दोनों ने भी जीवित रखा है। दैट्स वंडरफुल। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सर का एक और बड़ा, बहुत ही बड़ा एक पैशन है अदर देन सिंगिंग, एंड दैट इज़ लैंडस्केपिंग। और मैंने सर का घर देखा है, द वे ही हैज़ लैंडस्केप्ड हिज हाउस इज़ अमेजिंग। इट्स द ग्रीनरी, द बर्ड्स चर्पिंग देयर, आई मीन द डे आई केम टू योर हाउस इट वॉज वंडरफुल, वॉट अ वेदर एंड वॉट पीस, वॉट कामनेस, साइलेंस, एंड यू फील क्लोज टू नेचर। उसके बारे में सर थोड़ा सा आप बताइए अपने।
अगेन ये एक हॉबी है मेरी कि मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन स्पेसेस। अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ और बाय चांस कोई ग्रीन स्पेस सामने है जी, तो कई बार मेरी वाइफ बहुत पॉइंट आउट करती है कि आप बात इधर कर रहे हो, ध्यान आपका वो ग्रीन स्पेस की ओर जा रहा है, बिकॉज समहाउ ग्रीनरी से लगाव बड़ा है मुझे। और लैंडस्केपिंग, मैं अपने आप को एक एमेच्योर लैंडस्केपर मानता हूँ कि मैं एक विजुअलाइज करता हूँ, मुझे कोई भी एक खाली स्पेस मिला हुआ है कि लाइक अ पेंटर कि मैं यहाँ पे एक पेड़ होगा, पेड़ के ये ग्रीन कलर के पत्ते होंगे, या साथ में ऑटम आएगा तो ये पत्ते कलर चेंज करेंगे, साथ में ये यहाँ पत्तों का टेक्सचर थोड़ा बड़ा है, ये पत्तों का थोड़ा छोटा है, यहाँ पे ये फ्लावर्स दिए जा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ थोड़ी टपेरी बनाई जा सकती है, यहाँ कोई क्रीपर आ सकता है, यहाँ कोई बेल चढ़ सकती है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें, वो एक ग्रीनरी के साथ, नेचर के साथ जुड़ना। अगेन मैं वही, हमने शायद बीच में किया था कि अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल हमारी सोशल मीडिया की जो एज आ गई है ना जी, आप सुबह उठते ही व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक देखते हो, ट्विटर देखते हो, 50 चीज़ें आपके मैसेजेस आए होते हैं और सारा भूल के, उससे हम लोग अपना जो हमारा इनसाइड है उससे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और ये एक अगेन गार्डनिंग कह लीजिए, लैंडस्केपिंग कह लीजिए, या नेचर के बीच में बैठना, फिर वही बात है कि आपने ये सब चीज़ें एक साइड में रख दी, आप बिल्कुल नेचर में बैठे हो और प्रेजेंट मोमेंट फोकस हो जाते हो, आप ना पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में हो। प्रेजेंट मोमेंट जब आप बिल्कुल हो जाते हो तो आपको धीरे धीरे अपने बारे में और पता लगने लगता है, मेरी खुशी कहाँ है, क्या चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, क्या पिछले दो दिनों में मैंने क्या फैसले किए, क्या वो सारे सही फैसले थे, उस वक्त मैं उससे गुस्सा हो गया, उस वक्त मैंने उसको झिड़क दिया, ये सब चीज़ें, क्या मेरा वो बिहेवियर ठीक था। ये तब होगा जब आप धीरे धीरे, आपकी ये ब्रीदिंग नॉर्मल होने लग जाएगी, क्वाइट होने लग जाएगा, अंदर जो आपका माइंड आपके साथ वार्तालाप कॉन्स्टेंटली करी जा रहा है, उसने तुम्हें ये बोला, तुमने उसको ये किया, ये रह गया, ये काम पेंडिंग है, ये हो गया, वो हो गया, ये जो कॉन्स्टेंट डायलॉग है, ये कॉन्स्टेंट डायलॉग जब साइलेंट होना शुरू होता है, तब वो आपकी सोल, आपका इनसाइड आपको पता लगने लगता है, मेरा वो नेचर से वही एक रिश्ता है। तो अब एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इस साल के लिए कुछ आपके प्लान्स, आने वाले साल के लिए, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द कमिंग ईयर? देखिए, मैं बहुत इस तरीके की प्लानिंग की, नया साल आया है शायद नहीं बिलीव करता जी, उसकी बजाय मेरा एक बहुत फेवरेट ऑथर है स्टीवन कोवे जी, जिसने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है जो मैं सबको कहता हूँ जो भी मुझे मिलता है कि ज़रूर पढ़िए, ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है, 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो अपने आप में एक मैनेजमेंट की किताब भी है और एक सेल्फ हेल्प बुक भी है। वो किताब की जो 7 Habits हैं, उसमें सेकंड हैबिट जो है वो है कीप द एंड इन माइंड, कि आपने जाना कहाँ है, लेट अस से हमने जाना कहाँ है, आज लेट अस से मैं 50 का हूँ, 52 का हूँ, मेरे को मालूम है एक दिन मैंने 75 का होना या 70 का होना है भगवान की कृपा से, तो आपको मालूम है कि, तो वो अपने आप को ये कहता है कि, या मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैंने 60 पे रिटायर होना है, वो कहता है आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जब 60 के हो गए और ये डे ऑफ रिटायरमेंट है आपका, आप उस डे ऑफ रिटायरमेंट को अपने आप को कैसे विजुअलाइज करेंगे, आप चाहेंगे कि मेरी हेल्थ ठीक हो, पहली बात तो जी, सेकंड आप चाहोगे कि यार मेरे 4 दोस्त आएँ, 4 मेरे प्रोफेशनल कोलीग्स आएँ, वो मुझे आके विश करें कि चलिए आपने एक अच्छी एक सफ़र पूरा किया है, और आपके फैमिली मेम्बर्स आए, तो क्या आज, या वो कहता है अपने आप को विजुअलाइज़ करो कि आप 75 ईयर्स के हो और आपका बर्थडे है, जन्मदिन है, और लोग आपको विश करने आ रहे हैं, या आपका एक सर्कल है
उसमें एक फैमिली मेंबर है, एक आपका दोस्त है, एक समाज से कोई आदमी है, आपके मोहल्ले का हो सकता है, और वो आपके बारे में कुछ, जैसे होता है बर्थडे वगैरह पे, स्पेशल मौके पे हम किसी को इनवाइट करते हैं कि आपके आके आपके बारे में कुछ बोलिए, वो लोग आपके बारे में आप बोलने लगे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि वो आपके बारे में बोले? आप चाहोगे कि लेट अस से आपका दोस्त है, वो बोले कि यार ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मुझे जब मुश्किल आई इसने मेरा साथ दिया। आपका प्रोफेशनल कोलीग होगा, वो बोलेगा ये प्रोफेशनली बड़े अच्छे थे, पुलिस की नौकरी की बट इनका एक दिल था, या कह लीजिए कि अगर कोई आपके फैमिली मेंबर है कि ये हमारे पापा या हमारा ब्रदर या हम मेरा बेटा या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके बारे में क्या चाहते हो कहना। स्टीवन कोवे ये कहता है कि आपकी वो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, आपने जो 75 इयर्स पे या 50 इयर्स पे, अभी आप यंग हो काफी मेरे से, जो आप विजुअलाइज कर रहे हो और जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग अलग है। फिर वो ये कहता है कि हर साल के एंड में आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आपने डिफाइन कर ली है कि 60 पे मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ ऐसे हो, मेरा प्रोफेशनली हो, माइंड मेरा एक्टिव हो, मैं किसी ना किसी रूप से नेचर से, कायनात से, भगवान से भी जुड़ा रहूँ, कि वो चीज़ आपकी, और आज आप यहाँ हैं तो आपने पिछले एक साल में क्या आप इसी रास्ते पे चले या कहीं और चले गए? तो कोर्स करेक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है, कि आप टारगेट आपका पहले ही पता है। ये जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं, ये ही सेज कि आपका एक कभी आप उसको वीडियो देखने की YouTube पे मौका मिले जी। तो वो ये कहता है कि हमारा जो दिन होता है वो इट इज़ लाइक जैसे कोई जग होता है, उस जग में आपने जिन दिन में आपने अपने बड़े काम भी करने हैं, अपने हेल्थ को भी टाइम डिवोट करना है, अपने अपने प्रोफेशन को भी टाइम डिवोट करना है, प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा काम आपको पड़ा होता है, ये उसको कहता है ये बड़े स्टोन्स हैं जी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा है, आपने उसको रिस्पॉन्ड थोड़ा बहुत करना है या कुछ भी करना है, वही सेल जो आजकल हम होते जा रहे हैं कि हम ये जो छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कंकर, ये पहले डालने लग गए हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि अगर आप छोटे कंकर पहले डाल लो और बड़ी रॉक्स बाद में डालने की कोशिश करो, कि आज आपने बच्चों के साथ तो टाइम बिताया ही नहीं, आज आपने फैमिली को तो टाइम दिया ही नहीं, आपका एक दोस्त था जो बड़ा मुश्किल में था, उसकी हेल्थ ख़राब थी और आपके लिए ज़रूरी था कि उसका पता लेके आना है, बड़ा आपका ख़ास दोस्त है, आप वो तो किया ही नहीं आपने, और आप क्या लग गए हो सुबह से व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ी जा रहे हो। तो ही सेज कि वो जो छोटे कंकर छोड़ के पहले आप बड़ी रॉक्स को डालो तो आपके छोटे कंकर भी एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटे कंकर पहले डालने लग गए या तो बड़ी जो रॉक्स हैं वो नहीं डल पाती। तो यही आपको करना है कि आप कोर्स करेक्शन कीजिए कि भाई मैंने फैसला ये किया था कि मैं इस तरफ जाऊंगा, मैंने हेल्थ को टाइम डिवोट करना था, मैं देख रहा हूं मैं हेल्थ को टाइम डिवोट ही नहीं कर पा रहा। तो नए साल में ये होता है रेजोल्यूशन, पुरानी चीज़ें ही होती हैं, बस उनकी ओर मुड़ना होता है दोबारा से। तो मतलब हम अपनी डेस्टिनेशन पहले डिसाइड करें और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें कि क्या मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, बेसिकली हाँ। ये आप बताना चाहते हैं। और उसमें ये भी बताया गया है कि वो डेस्टिनेशन कैसे है, वो बड़े ब्यूटीफुल तरीके से है कि आप अलग अलग ही सेज आप 6-7 कैटेगरीज में अपनी डेस्टिनेशन बनाइए। एक हेल्थ ही बता दिया मैंने, हाँ जी। एक आप अपनी फैमिली को कि भाई मैंने अपनी फैमिली के साथ एक साल का क्या गोल है, प्रोफेशनली आपको लगता है ये पार्ट मेरा वीक है, इस पार्ट को मैंने इम्प्रूव करना है, ठीक है। दोस्तों वाली साइड में समाज का कुछ, आप समाज सेवा का काम करना चाहते हो, तो इस तरीके से वो अलग अलग फील्ड्स बना के ही सेज कि उनमें, नहीं तो अदरवाइज ही सेज जो हमारी जिंदगी ऐसे होती है कि हमारी एक गोल, एक फील्ड ऑफ लाइफ दूसरे के ऊपर कई बार डोमिनेट कर जाता है अगर आप केयरफुल नहीं रहते, आप कई बार हेल्थ इग्नोर करके बाकी चीजों में पड़े रहते या आप अपनी फैमिली इग्नोर करके दूसरी चीज़ों में पड़े, या अपना प्रोफेशन इग्नोर कर जाते हो। तो अगर आप इस तरीके से अपना एक कैटेगराइजेशन टेबल बना के करेंगे तो अच्छा रहता है। हमारे को बहुत अच्छा लगा कि आपकी बातें सुन के, और दे आर वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स, थैंक यू सो मच सर। एक
रिक्वेस्ट और मैं आपको करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे दोस्तों को एक गाना किशोर जी का अगर आप सुना सकें। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले कहीं छांव ढले, लंबी ये डगर न खले। जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाते हैं आप, और ये गाना है भी बहुत बहुत मीनिंगफुल है कि एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले, आंसू भी ना हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वी विश यू द वेरी बेस्ट इन ऑल योर एंडेवर्स एंड होप वी मीट अगेन इन अनदर एपिसोड ऑफ स्पाइस ऑफ लाइफ।